ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुनिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, वेदांत का वाणी सुनाया भक्तगणों के बीच कि नित्य रूप अगर लिया जाता है लीला रूप भी मानना पड़ता है। एक आश्चर्य समन्वय कर रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द इन्फिनिट एंड फाइनाइट मोड्स ऑफ गॉड। भगवान एक रूप से निराकार है एक रूप से साकार है, ठाकुर दोनों को ही मान रहे हैं। और ये बताया कि तीन ही यही चतुर्विंशति तत्व हुए चन सृष्ट जीव जगत। तो 24 प्रकार का जो तत्व बताया इसका हम चर्चा किया, वो एक मनुष्यगण का एक ग्रुप ऑफ मनुष्यगण का है जहाँ पर इनके पंच प्राण भी माना जाता है। लेकिन जो सांख्य दर्शन अनुसार जो 24 तत्व है उसमें पंच प्राण को नहीं माना जाता है, उसका दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो अगर आपका मन में प्रश्न होता है मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये अभिनव व्याख्यान ये वेदांत संगम मालिका स्वामी धीरेशानंद जी कृत उद्बोधन से प्रकाशित ये किताब में इस प्रकार का व्याख्यान दिया हुआ है। और जो सांख्य दर्शन के अनुसार जो चतुर्विंशति तत्व है वो आज हम बताऊंगा। तो सांख्य दर्शन मतलब सांख्य फिलोसफी संख्या से आ रहा है, नंबर नंबर फिलोसफी। They have numbered the different items of the creation. ये वेदांत इसका आगे है। सांख्य दर्शन क्या कहते हैं कि दो चीज अनादि है, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष चैतन्य मात्र है और प्रकृति जड़ है जो सृष्टि का जननी है। पुरुष और प्रकृति दोनों एक साथ नहीं रहने से सृष्टि नहीं हुआ। पुरुष निष्क्रिय है लेकिन प्रकृति पुरुष के अस्तित्व बिना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो समझाने के लिए पुरुष प्रकृति बताया। नॉर्मली पीपल थिंक इट इज़ ए मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सेक्स का भावना है ही नहीं, हो नहीं सकता है। चैतन्य एवं जड़, जड़ एवं चैतन्य का संमिश्रण, चीज जड़ ग्रंथि, ये दोनों एक साथ नहीं रहने से प्रकाश नहीं होगा। जैसे बिजली शक्ति इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जब तक इलेक्ट्रिक करंट के साथ उनका जो इक्विपमेंट का युक्त नहीं होगा, लाइट हो पंखा हो एसी हो जनरेटर जो भी है, तब तक बिजली का प्रकाश नहीं होगा। ओनली इलेक्ट्रिसिटी कैनॉट give any illumination, neither a bulb without a power can give illumination, दोनों का जरूरत है। वैसे ही पुरुष भी चाहिए प्रकृति भी चाहिए। तभी भगवान कहते हैं श्री राम कृष्ण वे ही ये चतुर्विंशति तत्व कहा गया है। प्रकृति का जो विभाजन है वह है 24 प्रकार।
और पुरुष एक अलग, तो टोटल 25 एलिमेंट्स इन सांख्य फिलोसॉफी। तो प्रकृति का जो विभाजन है, प्रथम है मूला प्रकृति, मूल ओरिजिनल स्टार्ट्स विथ प्रकृति, प्रकृति अनादि है, उसका कोई उत्पत्ति नहीं हुआ है, देयर मस्ट बी बिगिनिंग, उसका आगे कोई बिगिनिंग होगा, उसका आगे बिगिनिंग होगा, अनापत्ति हो जाएगा। तो ये माना जाता है प्रकृति इज फ्रॉम द बिगिनिंग और ओरिजिनल, इनका कोई जननी नहीं है। ये अविकृति ये किसका कारण नहीं है, इसे कहता है मूल कारण। और यह है अनादि, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रधान, प्रधान भी कहलाता है, प्रिंसिपल दिस बिगिनिंग सोर्स, इनसे सब कुछ उत्पन्न होगा। और इसको कहा गया है त्रिगुणात्मिका, स्वत्व रजस तमस तीन गुण का समष्टि, इसको प्रकृति कहलाता है, इसको वेदांत में माया कहलाया। तो प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका, इसका विकृति होता है, परिवर्तन होता है। फर्स्ट इट गेट्स चेंज्ड इनटू 7 आइटम्स, जिसको प्रकृति विकृति कहलाता है। तो प्रकृति से इनको उत्पन्न हुआ है और इनका भी विकृति होगा, ये प्रकृति से विकृति हो गया, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, फिर ये भी और किसी को जनक होगा, इसीलिए इसको भी प्रकृति विकृति कहला गया, ये भी प्रकृति होगा। दिस ऑल्सो विल बी ए कॉज फॉर फर्दर इफेक्ट। तो एक प्रकृति का 7 विकृति हुआ और वो 7 विकृति का फिर 16 विकृति होगा, देर गिव राइज टू 16 विकृतिज। वो खाली विकृति है, उसके और कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रकृति का कोई सोर्स नहीं है, वो अनादि है, और विकृति इसका ख़त्म, लास्ट 16 होगा, उसके आगे और कुछ नहीं होगा। तो 1 + 7 + 16 ये हुआ 24। तो 7 क्या बताया, प्रकृति का जो उनसे जो विकृति हुआ है वह है महत, अहंकार एवं पंच सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म जो हमारे जो महाभूत है, जो क्षिति आप तेज मरुद बोम, जो मटीरियल है, इसका सूक्ष्म रूप सटल, ये पहले इसका शुरुआत हुआ, वो सूक्ष्म से स्थूल होगा, सूक्ष्म इज द ओरिजिनल। तो पहले होता है जो प्रकृति का नीचे जो पहले आएगा वह है महत, महत मतलब दैट टोटालिटी ऑफ इंटेलिजेंस, चैतन्य समष्टि, सबकी इंटेलिजेंस लेके जो टोटल किया जाए वो है महत। और महत के नीचे है अहंकार, द टोटलिटी ऑफ ईगो, महत अहंकार हो गया, इसके नीचे है पंच महा सूक्ष्म महाभूत, क्षिति तेज मूल भूत। ये सूक्ष्म महाभूत से फिर स्थूल भूत बनेगा, क्षिति ऑफ तेज मतलब मट्टी पानी, जिससे सोर्स ऑफ मटेरियल्स। तो सूक्ष्म महाभूत से स्थूल महाभूत बनता है, इसको प्रक्रिया का नाम है पंचीकरण। मतलब ये वेदांत का चर्चा है कि प्रत्येक स्थूल भूत में सूक्ष्म महाभूत का संमिश्रण रहता है। तो थोड़ा थोड़ा सब सूक्ष्म लेके स्थूल महाभूत बना, और महत एवं अहंकार 7 हुआ, ये 7 का फिर 16
उसको विकार होगा, विकृति होगा, वह है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन एवं पंच महाभूत। सूक्ष्म भाव से महाभूत होगा। क्षिति तेज मरुद वोम, यह है इंद्रिया का विषय। और इंद्रिया पहले ही बताया कि जो हमारे दशेंद्रियानी पहले बता दिया, तो इंद्रिय एवं इंद्रिय का विषय ये लेके सृष्टि हुआ। इधर में जो षोड़श बताया वह है पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय। चक्षु कर्ण नासिका जीव तक पंच ज्ञानेन्द्रिय हुआ एवं वाक पाणी पाद पायपस्त पंच कर्मेंद्रिया नहीं हुआ। इसके साथ एक अंतर इंद्रिय है, वह है मन। एकादश इंद्रिय है, इलेवेंथ ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस एंड एक्शन एंड फाइव महाभूत, यह है 16 विकार। ये अभी किसी का सोर्स नहीं बनता है, या अल्टीमेट है। तो ये लेके तब 16 + 7 + 1 = 24 हुआ, प्लस एक प्रधान के साथ पुरुष रहा, एक टोटल 25 इधर तत्व सांख्य फिलोसफी। अभी जो वेदांत में कहते हैं, जो आप लोग का जो पुरुष जो है, अनेक पुरुष नहीं होता है, एक ही पुरुष होता है। इन्फिनिटीज कैन नॉट बी मेनी। और ये जो 24 तत्व है, ये पुरुष के भीतर कल्पना, इन नॉन एग्जिस्टिंग, देर इज देयर वे ऑफ लुक। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि सब कुछ ना नहीं लेने से भगवान का वजन में कम पड़ जाता है। तो इतना सब लेके हमके चलने पड़ेगा। तो ये जो 24 तत्व बताया, ये है प्रकृति का पूर्ण रूप। ठाकुर कहते हैं ईश्वरी ये 24 तत्व हो चुके हैं, परिवर्तित हुआ है, ताकि इसके भीतर से भक्तगण उनके साथ लीला विलास कर सकें। तो ये जो चतुर्विंशति तत्व बताया सांख्य फिलोसफी के अनुसार, यह है जड़ इनर्ट। और इसके साथ जब चैतन्य का आवास होगा, तब हमारी सृष्टि का शुरुआत होगा। और वेदांत अवधि कहते हैं ये जो चतुर्विंशति तत्व का कल्पना हो जा रहा है, ये अलीक है, ये कल्पना है। असलियत में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। इसीलिए उन लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, डज नॉट एग्जिस्ट। और वेदांत कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट एज इट अपीयर्स टू बी। एग्जिस्टेंस तो है, इसको छोड़ देने से हमारा सृष्टि का परिमाप कम हो जाता है। यही बात ठाकुर फिर विस्तार करके बताएंगे। तो ये जो संख्या का ऊपर आधारित सांख्य फिलोसफी है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। और इतने सुंदर विश्लेषण करके इनको बताया, हमारा जो एकादश इंद्रिय है एवं पंच विषय स्थूलभूत का जो बताया, ये है हमारा सृष्टि का आदि में। अगर मन को नियंत्रण करते हुए जो हमारे त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, मन को नियंत्रित करते हुए हम प्रकृति के वो नियमित कर सकें, तो वो संतुलित मन से हमारे ईश्वर का दर्शन बहुत आसानी से प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये चिंतन हम फिर भी आगे बढ़ाएंगे, जिसका विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।